बद्रीनाथ में 21 जुलाई बकरीद के अवसर पर कथित नमाज अता करने के खिलाफ जोशीमठ के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ में स्थानीय लोगों ने पूर्व पालिका अध्यक्ष ऋषि सती के नेतृत्व में उपजिला अधिकारी से भेंट कर उन्हें ज्ञापन देकर कहा कि भू बैकुंठ बद्रीनाथ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ पर अन्य धर्मावलंबियों द्वारा ईद पर नमाज अता की जानी हिंदू धर्म के साथ खुला खिलवाड़ है। लोगों ने कहा कि जहां एक ओर लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को देखते हुए बद्रीनाथ मंदिर में स्थानीय लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, वहीं अन्य धर्म के लोग हिंदुओं के आस्था क्षेत्र में पहुंचकर नमाज अता करते हैं, जो चिंताजनक है। साथ ही कहा कि कैसे बद्रीनाथ में तैनात पुलिस प्रशासन ये पता नहीं चल पाया कि बद्रीनाथ क्षेत्र में बकरी ईद पर नमाज अता होने जा रही है और क्यों पुलिस द्वारा पूर्व में इस बाबत कोई व्यवस्था नहीं की गई। कहा कि जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं तत्काल उन्हें बद्रीनाथ से हटाया जाए। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष ऋषि सती और सभासद अंशुल भुजवाण ने कहा कि यदि जल प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। बोले, पूर्व में जैसे बद्रिकाश्रम की आस्था का एक आस्था का केंद्र है, हिंदुओं का एक पवित्र धाम है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो एक्ट था वहाँ पर सनातन धर्म के कार्यों के अलावा अन्य धर्मों के कोई कार्य नहीं हो सकते। इस कोविड काल में हम सबको जाने की वहाँ पर अनुमति प्राप्त नहीं है और जो ये मजदूर के नाम पे वहाँ पर गए और वहाँ पे इन्होंने जा कर के जिस प्रकार से नमाज पढ़ी, इससे पूरे भारत का हिंदू एक किस्म से उद्वेलित है, गुस्से में है। और इस प्रकार से मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, पूर्व में जैन मंदिर बन रहा था तो हमने भी उसका विरोध किया था और बद्री विश्व आश्रम में अन्य कोई मूर्तियां स्थापित हो भव्य मंदिर नहीं बन सकता, उसका विरोध किया, वहां पे जैन मंदिर नहीं बना। आज जिस प्रकार से हम इनका विरोध नहीं करते हैं तो मैं इसका सारा ठीकरा पुलिस प्रशासन पे इसलिए फोड़ना चाहता हूं। पुलिस को पता था कि ये मजदूर यहां पर काम करते थे, विगत वर्ष ये क्या करते थे, रहते भी थे, तो ये इस प्रकार से नमाज पढ़ने जोशीमठ और गोपेश्वर चले जाते थे। इस समय ने इतना बड़ा साहस किया इन्होंने और वहां पर नमाज पढ़ी तो ये पुलिस के जो वहाँ पर थाना अध्यक्ष हैं इनको तत्काल वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से इन्होंने कई बार इनका स्थानांतरण होने के बाद भी ये जोशीमठ में बद्रीनाथ में बने हैं, इंस्पेक्टर खाली हैं और एक सब इंस्पेक्टर को वहाँ का चार्ज दिया गया, बड़ा शोचनीय प्रश्न भी है। मैं यही चाहूँगा कि वहाँ पर जो जा रहे हैं, जिस प्रकार से लेबर जा रही है, तमाम जिस प्रकार से मादक पदार्थों को लेकर के वहाँ पर जा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, नितांत वहां पर जाकर के जिस प्रकार से प्रशासन बिल्कुल सोया पड़ा है, किसी प्रकार से हमारे लोगों के पास नहीं बन रहे हैं, उनका वहां पर जाने का अनुमति प्राप्त नहीं हो रही और इस प्रकार से ये जाकर के हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, हम इसको पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं, मैं सरकार को भी साथ में चेतावनी कि सरकार को तत्काल इसमें कार्रवाई करके और कोई ना कोई बड़ा। बद्रीनाथ हिंदू धर्म के आस्था का केंद्र है, बद्रीनाथ हमारे चार धामों में से एक धाम है जो हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। कल बकरीद के अवसर पर वहाँ पर नमाज पढ़ी गई, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा वहाँ पर नमाज अदा कर हिंदू भाव धर्म के भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। इसका विरोध संपूर्ण बद्रीपुरी के लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया। अगर बकरीद रही होगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मांस आदि का भी सेवन किया गया होगा, जो हिंदू धर्म के लिए बहुत दुखदायी और चिंता का विषय है। इसका बद्रीनाथ में भी इसका भारी विरोध हुआ है, जोशीमठ में भी हम सभी लोगों ने इसका विरोध किया है। हम क्षेत्र के सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू धर्म को साथ में लेते हुए, हिंदू धर्म को आगे रखते हुए हम सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर अभी हम SDM महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया, SDM महोदय ने भी इस मामले में हमें आश्वस्त किया है कि जिन लोगों द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर समय से इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे इसके लिए वहीं SDM कुमकुम जोशी ने लोगों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। साथ ही SDM ने कहा कि वो थाना प्रभारी बद्रीनाथ से भी मामले की जानकारी ले रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में कल बकरीद के अवसर पर कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़ने पर मेरे पास आए अभी नगर के कुछ प्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज करी है, जिन्होंने ये कहा है कि इस तरह से बद्रीनाथ धाम में नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए। और भी कुछ अन्य शिकायतें उन्होंने रखी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया, तो इन सभी चीज़ों पर जाँच की जाएगी और यदि
किसी भी प्रकार कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन इसमें किया गया होगा या अन्य कोई भी अनियमितता की गई होगी तो उसकी जांच की जाएगी, और इसके लिए अभी थानाध्यक्ष बद्रीनाथ द्वारा मुकदमा भी। आपको बता दें कि जोशीमठ में स्थानीय लोगों ने पूर्व पालिका अध्यक्ष ऋषि सती के नेतृत्व में उपजिला अधिकारी से भेंट कर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोशीमठ से पूरन बिलंगवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।